इस मॉड्यूल uh, में वी विल बी डिस्कसिंग अगेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये पार्ट टू है और uh, इससे पहले हमने ये पार्ट वन में जिक्र किया जिसमें कैल्शियम पोटेशियम uh, क्लोरिन सोडियम पोटेशियम सो ऑन so लेकिन यहाँ पे हम वो मिनरल्स का कर जिक्र करेंगे जो कि विच आर आल्सो कॉल्ड एस ट्रेस एलिमेंट्स ट्रेस एलिमेंट्स का मतलब दैट इज वेरी मिली मिलीग्राम बट दे आर नीडिड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स और इन माइक्रो दूसरी जो चीज होगी विल बी डिस्कसिंग द दिटामिन माइक्रो न्यूट्रिय नीड इन स्मॉल अमाउंट्स दैट इज इन माइक्रो मिलीग्राम वो था मिलीग्राम्स के अंदर इसलिए हम इसको माइक्रो न्यूट्रेंट्स कहते हैं और ये है माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो के माइक्रो मिलीग्राम्स का हिस्सा है आल्सो कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स ट्रेस एलिमेंट जैसे नाम ज़ाहिर बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ही जैसे साइंटिफिकली माइक्रो मिलीग्राम्स के अंदर नाउ लाइक माइक्रो न्यूट्रेंट्स एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देम जिस तरह हम कहते हैं कैल्शियम सिंथेसाइज नहीं होता मैग्नीशियम सिंथेसाइज नहीं होता लेकिन इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर नॉट सिंथिसाइज बाई सेल्स इन्हें भी फूड के साथ ही हमें बाहर से एनवायरमेंट से फूड की फॉर्म में लेना पड़ेगा और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कॉपर है फ्लोरीन है कोबाल्ट है आयोडीन है आयरन मैगनी देन मोलिबिनम सिलीनियम जिंक तो ये बहुत ही कम अमाउंट में इस्तेमाल होते हैं लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है बहुत ज़्यादा है देन एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेस मिनरल्स जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कॉपर कॉपर और ये भी फूड के साथ ही आता है तो कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स ये हमारे सेल के अंदर ये अगर कॉपर नहीं होगा तो एंजाइम्स ही नहीं बनेंगे और जब एंजाइम्स ही नहीं बनेंगे या अल्टर्ड बनेंगे या डिफेक्टिव बनेंगे तो वो एंजाइम्स जो हैं वो फिर बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकते तो इसेंशियल फॉर मेलानिन मेलानिन क्या है ये पिगमेंट्स होते हैं जिसकी ब्लैकनिंग होती है स्किन की बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है ह्यूमन पॉपुलेशन जो ब्लैक पॉपुलेशन तो उसके अंदर मिलानन बनता है और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए भी ये कॉपर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हीमोग्लोबिन तो प्रोटीन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो हमारे लिवर में बनता है और लिव... तो जब तक ये इसेंशल चीज़ें नहीं होंगी तो वो हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा और ये बहुत सारे साइटोक्रोम्स में इस्तेमाल होती हैं साइटोक्रोम्स कहाँ हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में तो वहाँ पर ये कॉपर का इम्पोर्टेंट इस्तेमाल है It's about fluorine, this is a component of bone, then teeth, it prevents, uh, it prevents uh, tooth decay. Or easily, if you have toothpaste, fluorine is an added compound. Then the cobalt, well, this is the component of vitamin B12, essential for red blood cell production. Because can see red blood cells, और तो ज़ाहिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं आएगी और सेल को सही अमाउंट की ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ये तभी मुमकिन है अगर कोबाल्ट होगा तो इसी तरह आयोडीन है विट इज़ अ कम्पोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन देन आयोडीन आयरन है और रेट इज अ कम्पोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन और बहुत सारे एंजाइम्स एंड साइटोक्रोम्स मैगनीस सो इट्स एक्टिवेट मैनी इंसाइम्स एन एनजाइम इसेंशियल फॉर यूरिया ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्ट्स ऑफ क्रेपसाइकल तो इसमें ये मैंगनीज इस्तेमाल होती है अगर मैंगानीज नहीं होगी अगर इसकी अमाउंट कम होगी तो जाहिर है कि वो प्रोसीड नहीं करेगा वो रिएक्शन जिसमें ये इस्तेमाल होता है एज एज ए कोजाइम दैन मुलिबडनम दिस इज ए कॉन्सीटेंट ऑफ सम एनजाइम्स दैन सिलीनियम नीडेड इन फैट मेटाबॉलिज्म फैट की मेटाबॉलिज्म भी इसेंशियल है और इसमें भी ये कंपोनेंट इस्तेमाल होगा फिर उसके बाद जिंक है जिंक तो इस पर बहुत काम हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है इट इज़ uh, ये तकरीबन कोई सेवेंटी एंजाइम्स में जिंक इस्तेमाल होता है इस्तेमाल होते कहीं पे यह कंपोनेंट है कहीं पे इट इज नीडेड फॉर दिस इट इज नीडेड फॉर वुंड हीलिंग एंड फर्टिलान तो ये आप जितने भी आ, जो आइंटमेंट्स हैं या क्रीम्स हैं जो कि आमतौर पे आ, जले हुए स्किन के ऊपर लगाते हैं वो इसके अंदर जिंक है जिंक जो है वो तो आ, न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी बहुत ज़रूरी है मदर को जिंक उस प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे कहा जाता है कि आई भी बढ़ता है तो ये इसलिए जिंक इज़ इज़ अगेन इट इज़ Uh, very important uh, component of our diet. So, this is all about the micronutrients part two.